16-17 को जो राष्ट्रीय कार्य समिति हुई उसमें माननीय जेपी नड्डा जी को जून 2024 तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन दिया गया। बिहार के उपचुनावों का भी अलग से उस विजय का, गुजरात चुनाव के विजय के साथ बिहार के भी उपचुनावों के विजय की चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 36 सीटें जीतेगी। देखिए, यह सब चाचा भतीजा की जोड़ी की नूरा कुश्ती है। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति से पूर्णतः अप्रासंगिक हो गए हैं और आज के समय में वह केवल यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे। नीतीश कुमार जी को अब पूछने वाला न बिहार की राजनीति में कोई है, न देश की राजनीति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज संजय जायसवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने एक खुशखबरी बताई है बीजेपी के लिए। दरअसल खुशखबरी यह है कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा का कार्यकाल अब 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है, उनके कामों को बीजेपी समझी होगी कि यह बेहतर काम किए हैं बिहार में खास करके, तो उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अब जेपी नड्डा के लिए बिहार में बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। चुनौती क्या होने वाली है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है इस विषय में वो पहले आप सुन। 16-17 को जो राष्ट्रीय कार्य समिति हुई उसमें माननीय जेपी नड्डा जी को जून 2024 तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन दिया गया। बिहार भाजपा के लिए इसलिए भी बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा बचपन, जन्म, शिक्षा सभी पटना में ही हुआ है। इसलिए बिहार के भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना अंग समझती है और यहीं से वह उनका राजनीतिक सफर इमरजेंसी के दौरान एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ और पूरे आज वह हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही चूँकि यह एक परंपरा है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद हमारे प्रदेश की और मंडलों की कार्य समिति होती है, 28 और 29 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति दरभंगा में बिहार की होने जा रही है। हमारे सभी जिलों की कार्य समिति 5 फरवरी से पहले हो जाएगी और सभी मंडलों की कार्य समिति 12 फरवरी से हो जाएगी तक हम कर लेंगे। इस पूरे चेन का कारण यह होता है कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति में कार्यक्रम तय होते हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति में जो चीज़ें मार्गदर्शन मिलता है वह हम मंडल के कार्यकर्ताओं तक उन निर्देशों को पहुंचा सके और उसके हिसाब से मंडलों में हम अपना कार्य कर सकें, भाजपा का प्रत्येक कार्य हो सके। भाजपा बिहार के लिए इसलिए भी गर्व की बात है कि जो राजनीतिक प्रस्ताव आया उसमें बिहार के उपचुनावों का भी अलग से उस विजय का, गुजरात चुनाव के विजय के साथ बिहार के भी उपचुनावों के विजय की चर्चा हुई। इसके लिए भी हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, यह सब चाचा भतीजा की जोड़ी की नूरा कुश्ती है। चाचा भतीजा मिलके बिहार का विकास तो करना नहीं है, इसलिए जानबूझ के ये लोग जानबूझकर कभी अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम हिंदुओं के खिलाफ विष्पन करो, कभी जानबूझ के ये लोग किसी मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम सेना के खिलाफ विष्पन करो। यह आपस का बात है कि एक जो कबड्डी का होता है ना कि बीच सेंट्रल लाइन पे खड़े रहना कि भाई अगर तुम मेरी बात का गुलामी नहीं करोगे तो उधर चल जाएंगे। भाजपा अपने बल पर आगे चलेगी और हम निश्चित तौर पर 36 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में जीतेंगे क्योंकि इस देश का हर एक गरीब, हर एक मध्यम परिवार का व्यक्ति यही देखना चाहता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आपके साथ रखिएगा जदयू को, नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करें। भारतीय जनता पार्टी अपने
बल पर 36 सीटें जीतेगी। हमने 22 से 17 सीट आ गए थे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला, इस पर और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति से पूर्णतः अप्रासंगिक हो गए हैं और आज के समय में वह केवल यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे। नीतीश कुमार जी को अब पूछने वाला न बिहार की राजनीति में कोई है, न देश की राजनीति में। तो आपने सुना संजय जायसवाल कह रहे हैं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, साथ ही साथ अब मैं आपको वो चुनौती जो आने वाला है जेपी नड्डा के लिए वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जेपी नड्डा जो कि बिहार के ही जन्मे हुए हैं, बिहार के ही हैं, तो वो यहाँ के राजनीतिक जो परिवेश है, राजनीतिक जो माहौल है, उससे भली भांति उससे वो उन्हें जानते हैं और यहीं पटना कॉलेज के भी विद्यार्थी भी हैं, पढ़े भी हैं। चुनौती उनके सामने ये है कि उस बार बीजेपी जदयू के साथ थी, लेकिन अब जदयू जो है वो अलग हो गई है, वह महागठबंधन में है। महागठबंधन उनके सामने खड़ी रहेगी जिसमें आरजेडी है, जदयू है और भी कई जो दल हैं वो लोग भी अलग से रहेंगे, क्योंकि उस बार जो नीतीश कुमार जब इन लोगों के सपोर्ट में थे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे पार्टी के जो लोग हैं इनके समर्थन में थे, लेकिन अब बिल्कुल ही माहौल अलग है। अब ऐसे में जेपी नड्डा किस तरह से राजनीतिक माहौल में ढल पाएंगे, कैसे सारा काम कर पाएंगे, यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है और चुनाव में उनका क्या माहौल रहेगा, चुनाव में वो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि अभी से ही चुनाव का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, विधानसभा का चुनाव का पूरा माहौल बनाया जा रहा है। चलिए हम लोग भी देखते हैं जेपी नड्डा फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, क्या कुछ वो काम करते हैं, उसके लिए हम लोग भी इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।